अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। काफ़ी दिन बाद वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ और कुछ बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, अचानक बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी क्योंकि मैं अगेन घर शिफ्ट कर रही हूँ। आप लोग भी सोचेंगे कि लाइक बिफोर 3 or 4 months, आई थिंक 4 months, यस 4 months पहले भी मैंने जो है घर शिफ्ट किया था, बट मैंने आपको बताया था मैं रेंट के घर पर थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर में जा रही हूँ, बट दुआ कीजिएगा कि सब अच्छा अच्छा बेहतर बेहतर हो जाए, ऐसा ना हो कि फिर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, क्योंकि लाइफ के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं। आप लोगों को तो मतलब पता ही है ये बात कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसकी कम्प्लीटली लाइफ जो है वो सेट हो। अप एंड डाउन्स तो हर किसी की लाइफ में होते हैं, सो इसी तरह के ऐसे अप एंड डाउन्स कुछ मेरे साथ भी चल रहे हैं। तो आप लोग दुआ कीजिएगा कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो, बिकॉज जो कहते हैं कि जिनकी नीयत साफ हो और जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, मतलब किसी का बुरा। तो ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी थी और आई होप अल्लाह करे आगे ऐसा कुछ ना हो। डिटेल में मैं ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगी, बट ये करूंगी कि आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि सब अच्छा अच्छा हो जाए। और मैं अपने घर में शिफ्ट हो रही हूँ, फिर मैं आप लोगों को जो है घर भी तो मतलब इतना ज़्यादा काम, यहाँ का सामान ले जाके वहाँ सामान डाल रहे हैं, बिकॉज इतने ज़्यादा काम, फिर अनायक इतने ज़्यादा काम और फिर उसके साथ जॉब, ये सारे काम एक साथ मैनेज करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। सो इसलिए जो है मैं सामान जो है थोड़ा थोड़ा ले जाके शिफ्ट कर रही हूँ और वहाँ जाके, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने ये कहा इस घर में शिफ्ट हुई थी ना, तो मैंने क्या किया था कि 2 days में जस्ट सारा सामान पैक किया और पैक करके ला के रख दिया, राइट। और सारा सामान मतलब एक रूम में मैंने यहाँ पर 3 rooms थे, तो मैंने एक रूम में सारे सामान जमा करके रख दिया था कि लाइक मैं थोड़ा थोड़ा रोज डेली सेट करती रहूँगी, बट उस थोड़ा थोड़ा को सेट करते हुए क्योंकि सामान मेरा काफ़ी ज़्यादा है, तो थोड़े थोड़े सामान को सेट करते हुए पूरा 1 महीना लग गया था तो प्रॉपर सेट हुई। सो मुझे एक्सपीरियंस हो गया था, लाइक मैंने जब लास्ट टाइम घर छोड़ा था तो सारा सामान मैंने आपको जैसे कि बताया कि सारा एक रूम में मैंने सेट कर दिया था, किचन का, बेडरूम का, टॉल, एवरी थिंग्स जो है मैंने एक रूम में डाल दी थी। और फिर जब मैं यहाँ आई थी तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस हो गया था। अब जब मैं एक्सपीरियंस हो गई हूँ लाइक कि इस तरह मुझे नहीं करना चाहिए, जो मैं इस तरह नहीं कर रही, अब मैं पता क्या कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ कि लाइक मैं मुझे जिस घर में शिफ्ट होना है उस घर को मैंने पूरा खाली किया, साफ़ सुथरा किया, उसके बाद मैं जो है थोड़ा थोड़ा सा सामान लेके जाती हूँ, वहाँ जाके प्रॉपर सेट कर देती हूँ, राइट। बिकॉज मुझे ये फर्स्ट और सेकंड को ये घर बिल्कुल जो है छोड़ देना है, हैंड ओवर कर देना है ऑनर्स के। सो मैंने थोड़ा थोड़ा सा सामान ले जाके वहाँ सेट करना स्टार्ट कर दिया। सेट करने किस तरह स्टार्ट किया, लाइक मैंने अपना बेडरूम वहाँ सेट कर दिया, सेट करवा दिया है, और मैंने बेडरूम सेट भी चेंज किया है। सो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि आप लोग मुझे बताइएगा कैसा रहा, कैसा लगा। और मैंने वहाँ सेट कर दिए, कबर्ड सेट कर दिए प्रॉपर, और कबर्ड में कपड़े सारे प्रेस, मेरा कबर्ड अच्छे से सेट हो गया, बस थोड़े से कपड़े हैं जो मुझे प्रेस करने और हैंग करने। और इसके अलावा मेरा बेडरूम बिल्कुल सेट है, बेडरूम का सारा सामान उसमें जा चुका है। उसके बाद किचन का सारा सामान जो है बर्तन वगैरह सेट कर दिए हैं, मैंने जाके प्रॉपर तरीके से रख दिया। अभी थोड़ा बहुत यहाँ बस बिल्कुल थोड़ा सा ही सामान है, बिकॉज वो ऐसा सामान कुछ यहाँ पर है जो कि मीन्स जिस दिन मैं खाली करूँगी सो उसी टाइम ही मेरे साथ जाएगा, उससे पहले ये सामान जा नहीं सकता ना। लाइक मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि अभी मेरे घर की क्या हालत हो रही है। इतनी ज़्यादा थक जाती है स्कूल से आती, फिर स्कूल से स्कूल के बाद प्लानर लिखना होता है, लाइक आपको मैंने बताया था जैसे कि मैं टीचिंग कर रही हूँ, सो हमें लेसन प्लान बनाने होते हैं। लेसन प्लान भी कोई सिंपल वाले लेसन प्लान नहीं करना होता, बिल्कुल अच्छा सा सजा के बना के इतना ज़बरदस्त हमारा प्लानर होता है, उसमें इतनी ज़्यादा मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ मैं इस काम में। फिर प्लानर्स लिखते हैं, उसके बाद और इतने ज़्यादा काम होते हैं, स्टूडेंट्स आई डी कार्ड्स बनाना, उनोल, बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत ज़्यादा। अभी हाँ जी, मैं आपको क्या बताई थी, मैं आपको बताती हूँ, कुछ ऐसा सामान रह गया है। अभी इतनी बुरी हालत हो रही है घर की, देखें मतलब फ्रिज वगैरह, या ये देखें मेरा घर किस तरह से फैला हुआ हो रहा है, हर चीज़ ऐसी फैली हुई हो रही है, इसको भी थोड़ा बहुत समेटना होता है, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर अभी प्रॉपरली मतलब ये देखें मेरा पूरा घर, ये रूम बिल्कुल खाली हो चुका है। अभी भी यहाँ पे कुछ सामान है थोड़ा सा फैला हुआ है, किचन भी थोड़ा सा फैला हुआ है, इसकी भी हालत ज़्यादा दर्ज है, ख़राब हो रही है। सो इस घर का समेटना, क्योंकि जाहिर सी बात मैं अभी इस घर में रह रही हूँ, सो इस घर की सफाई वगैरह करना मतलब और सब करना मुझे, और फिर वहाँ जाके सेट करना। लेकिन यह है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, काफ़ी सामान जो है मेरा सेट हो चुका है। अब मुझे कुछ इस तरह का नहीं होगा, जब मैं लास्ट डे मैं फर्स्ट ईयर जब 30 को मेरा है इरादा, ये तो कहते हैं कि बस अब 2 दिन में जो है ख़त्म कर दो, समझ में नहीं आ रही यहाँ वहाँ इधर उधर हो के ना, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ एक जगह के हो जाओ। सो लेकिन अभी भी थोड़ा सा काम है, मैं सोचूँ वो काम करवा लूँ उसके बाद ही।
आज मैंने जो है कोई काम नहीं किया, मैं वहां भी नहीं गई, कोई सामान भी सेट नहीं कर किया। मीन्स आज मैंने कहा मैं थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ, काफी ज्यादा थक गई थी। और मैंने जब सोचा कि लाइक मैं अब मुझे फील हुआ कि हाँ मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, सो मैंने सबसे पहले सोचा बस अपने जो ये अपनी यूट्यूब फैमिली है उसको टाइम दूंगी, क्योंकि काफी दिन हो गए मेरी वीडियोज मैंने अपलोड नहीं की थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं बहुत ज्यादा डिसहार्ट हो गई थी। मेरा गेम जो चैनल है, मैंने एक चैनल जो है कुकिंग चैनल बनाया था, वो भी मेरे कॉपीराइट की वजह से या कुछ क्लेम्स हो गया था, उस पर भी वो चैनल मुझे बंद करना पड़ा। गेम मैंने चैनल बनाया, और यूट्यूबर ही जानते कि चैनल बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत होती है। अगर ये बात आप लोगों को पता चल जाए कि एक चैनल को रन करने में कितनी ज्यादा स्ट्रगल और कितना ज्यादा टाइम, कितनी एफर्ट्स होती है, तो हर कोई मेरी वीडियो ना सब्सक्राइब किए बगैर ना जाए। तो उसको पता होगा कि यार इसने इतनी मेहनत की है। आप जो है सब्सक्राइब ही नहीं करते, आप जो है अप्रिशिएट ही नहीं करते, आप जो है सपोर्ट ही नहीं करते। सर जनाब, बातें तो होती रहेंगी, मैं आपको जो है उससे कवर कराऊंगी और मैं बताऊंगी कि मैंने किस तरह से कॉल्स फर्नीचर चेंज किया। कुछ ज़्यादा हाई फाई, बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लिया, बट ये है कि हाँ अच्छा लिया है अपने लिए, मतलब चेंज किया है। तो चेंज तो हर एक को अच्छा लगता है, सो मैं भी खुश हूँ। आप लोग दुआ कीजिएगा कि मेरी खुशी इसी तरह बरकरार रहे। और जो है मैं जिस घर में जाने वाली हूँ, मुझे वहाँ पे सुकून हो और खुशियाँ मिलें आप लोगों की दुआओं से। मेरी मम्मी भी मेरे लिए बहुत दुआ करती हूँ। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आई हूँ आप लोगों के लिए और एक और मज़ेदार वीडियो मैं लाने वाली हूँ। कुछ 3-4 व्लॉग्स मैं एडिट करने हैं, मैंने वो इसी घर के हैं, मैं वो एडिट करके आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और मैं कहाँ शिफ्ट हुई हूँ, मेरा घर कैसा है, मैं आप लोगों को जरूर टूर कराऊंगी उस घर का। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।